सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं HP3790। आज बात करने जा रहे हैं कि यदि आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई है तो उसके इसमें आप कौन से घरेलू नुस्खे का प्रयोग करें जिससे आपको अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। दोस्तों लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है, जो लोग शाकाहारी होते हैं वो लोग ना तो मांस मछली खाते हैं ना तो अंडे खाते हैं, तो उसके इसमें उनके बहुत सारे इस तरह के हमें कमेंट प्राप्त हुए थे कि हम कौन से घरेलू नुस्खे का प्रयोग करें जो कि शाकाहारी हो और जिससे अच्छी खासी में प्रोटीन की मात्रा भी मिल जाए और किसी भी तरह का नुकसान भी ना हो। तो आज आपसे इसी सब पर चर्चा होगी, लेकिन वीडियो से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोटीन की कमी से आखिर होता क्या है। तो यदि आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसके इसमें आपकी स्किन जो है वो रूखी रूखी सी हो जाती है, प्लस आपकी मांसपेशियां जो अकड़ने लगती हैं, यानी आपके पीठ में दर्द होगा, प्लस आपके कमर में दर्द होगा और आपके घुटनों में दर्द होगा। इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है और आपके बाल भी झड़ने लगते हैं, आपके बाल भी काफ़ी ज़्यादा रूखे रूखे हो जाते हैं यदि आपके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, प्लस आपके हड्डियों में भी दर्द होने लगता है। इस तरह की कुछ अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो कुछ इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का आप प्रयोग करें जो कि शाकाहारी भी हों और उसके साथ साथ में उससे आपको अधिक मात्रा में प्रोटीन भी मिल सके। वैसे दोस्तों अंडे में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा देखी जाती है और लोग प्रयोग करते हैं, उससे उनको लाभ भी मिलता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी होते हैं वो अंडे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उनको हम बताने जा रहे हैं कि वो लोग कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करें जिससे उनको बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बादाम। बादाम का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है यदि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। बात कर लेते हैं किस तरह से बादाम का प्रयोग किया जाए। तो बादाम को आप भिगो दीजिए और सुबह उठ के खाली पेट बादाम को खाइए, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो प्रोटीन की कमी थी वो काफ़ी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो आता है मशरूम। मशरूम तो आप जानते होंगे, अगर मशरूम का भी आप प्रयोग करते हैं तो मशरूम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और प्रोटीन की जो कमी है आपके शरीर के अंदर काफ़ी जल्दी दूर हो जाती है। तो ये तो हो गए मशरूम की बात। जो तीसरे नंबर पे आता है वो है दाल। अगर आप दाल का प्रयोग करते हैं तो दाल में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि डॉक्टर्स जो हैं बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि दाल का पानी पिलाएं, जो कि बच्चे 6 महीने से कम के हैं, तो दाल के अंदर जो है प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यदि आप दाल का प्रयोग करते हैं तो उससे काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ में अगर आप अनाज का प्रयोग करते हैं, जैसे भिगोया हुआ अनाज जो कि अंकुरित हो जाता है, जैसे आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, इस तरह के जितने सारे अनाज हैं इनका अगर आप शाम को भिगो देते हैं और सुबह उठ के इनका अगर प्रयोग करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसके चलते आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा कम हुई थी उसमें काफ़ी जल्दी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इससे आपको लाभ भी काफ़ी मिलेगा। तो आपके जो पीठ में दर्द रहता था या फिर आपके जो बाल रूखे रूखे से थे या फिर आपकी स्किन जो रूखे रूखे सी थी उसमें काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इस तरह के कुछ शाकाहारी हैं और इनसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं है। और अगर आपको कमजोरी भी महसूस होती है तो उस केस में भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों बादाम के जो अनेकों फायदे हैं, जैसे आपका दिमाग अगर तेज़ नहीं है तो उस केस में अगर आप बादाम का प्रयोग करते हैं तो उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपके शरीर को एनर्जी भी मिलेगी, उसके साथ साथ में आपका माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाएगा। और अगर आप भिगोया हुआ चना का प्रयोग करते हैं, मशरूम का प्रयोग करते हैं, तो इससे भी आपके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आती है। तो अगर आप शाकाहारी हैं तो इन सारी चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ रह गया हो जो हमने आपसे ना शेयर की हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।